हो जाएगी। मुझे अभी भी याद है 2010 में जब हाथी पर रखकर संविधान की शोभा यात्रा निकाली, युवाओं में संविधान लोकतंत्र के रूप में हम मन की बात को लेकर के सुबह से हम सारे लोग आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में नहीं सारी दुनिया इस चीज़ पर निगाहें टिकाई हुए थी टीवियों पर कि आज प्रधानमंत्री भारत के मन की बात कहेंगे। लेकिन मन की बात जब लोगों ने सुनी तो लोगों के चेहरे उतर गए और दिलों में घबराहट पैदा हो गई। बराबर मन की बात सुन रहा था, बल्कि उन्हें तो आज मन की बात में अयोध्या की बात करना चाहिए था। अयोध्या में डर और भय का माहौल है, जबरदस्त तरीके से मुसलमान घबराए हुए हैं, उन्होंने अपने घरों और मकानों को खाली कर दिया है। बगैर सुप्रीम कोर्ट के अनुमति के वहाँ जनसभाएं हो रही हैं और तमाम गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिस पर हम प्रधानमंत्री जी की बात से बिल्कुल असंतुष्ट हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद थी आज मन की बात में कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आज अयोध्या की बात जरूर करेंगे, शांति की अपील करेंगे, लोगों से हाथ जोड़ना कहेंगे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कहेंगे और लोगों को सुप्रीम कोर्ट का, संविधान का डर या कुछ भी नहीं है। तो मन की बात मुझे आज बहुत ही दुख